हे गाइस, क्या हाल चाल। अभी अभी खबर आई है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तून ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यूएई के एक सिटी अल मदान का नाम चेंज करके हिंद सिटी रख दिया जाए। क्या बीजेपी वहाँ भी इलेक्शन जीत गई क्या? वो इलेक्शन नहीं होता वहाँ। अब इंडिया में ये खबर लाइट की रफ्तार से फैल गई कि दुबई के रूलर ने इंडियंस का सम्मान करने के लिए अपने एक सिटी का नाम हिंद सिटी रखा है। लेकिन क्या ये सच है भी? क्योंकि रूलर साहब ने तो कोई रीज़न बताया नहीं है, और अगर वो इंडियंस को खुश करने के लिए ही सिटी का नाम चेंज करते तो वो इसका अनाउंसमेंट करके मार्केटिंग भी ज़रूर करते। अब ज़रा अपने कान और आँख खोल के रखना, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस फेंक के मारने वाला हूँ। अब देखो, भले ही यूएई के साथ इंडिया के रिलेशंस डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं, इनफैक्ट यूएई और इंडिया साथ में स्पेस प्रोग्राम्स भी प्लान कर रहे हैं, बट ऐसे तो कई सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, किसी और कंट्री ने तो कभी ऐसा नहीं किया। और अगर बात यूएई की है, यूएई के और भी कंट्रीज़ के साथ तो अच्छे रिलेशंस है, बट किसी और कंट्री के नाम पे तो उसने कभी अपने किसी सिटी का नाम नहीं रखा। अब दूसरी बात, देखो कोई भी अच्छा लीडर जियोग्राफिकल लोकेशंस का डिवीजन और नामकरण कभी भी सिविलियंस के आइडेंटिटी पे नहीं करेगा, क्योंकि उससे सोसाइटी में डिविजन्स पैदा होते हैं, और इंडिया खुद इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट फॉर्मेशन के टाइम में कोई भी नहीं चाहता था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स के बॉर्डर्स खींचना, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण मजबूरन स्टेट फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे करना पड़ा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आज भी लोकल पॉलिटिक्स में साफ दिखाई देते हैं। एक बिहारी 100 बीमारी कहकर बिहार के लोगों का अपमान किया है। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि हमें बीमारी नहीं चाहिए, बंगाल को बीमार मुक्त करिए। ठीक उसी तरह अगर यूएई किसी एरिया का नाम किसी के आइडेंटिटी के बेसिस पर रख देता है, तो फ्यूचर में इंडिया से यूएई जाने वाले लोग हिंद सिटी में ही जाकर बसेंगे, और एक एरिया में सेम आइडेंटिटी के लोग बसने पर वो करेंगे डिमांड। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियंस वहाँ जाके क्या ही मांग सकते हैं। डेमोक्रेसी, वैसे तो डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ होती है, बट हर किसी के लिए नहीं। 2018 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएई में यूएई के असली सिटीजन सिर्फ 11.5% है। 88.5% लोग तो बाहर से आए हुए हैं। और आपको पता है यूएई में इंडियंस की संख्या क्या है? 38.2%, जो कि उन्हें वहाँ का मेजॉरिटी बनाती है। ऐसे में अगर वहाँ इलेक्शंस होने लगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ क्या हो सकता है। तो सवाल यह है कि रूलर साहब किसी सिटी का नाम हिंद सिटी रख ही क्यों रहे हैं? वेल, अरबी में हिंद का मतलब होता है कैमल्स का झुंड, और आपको तो पता ही होगा डेजर्ट लैंड में कैमल उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना एग्रीकल्चरल लैंड में गाय होती है। ऑल्सो रूलर साहब की पहली वाइफ का नाम हिंद बिंत मखतूम अल मखतूम है, तो हो सकता है वो इस सिटी का नाम अपनी वाइफ का नाम पे रख रहे हों। देखो, जनता को पोलराइज करना, ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में होती है। यूएई एक डेमोक्रेसी नहीं है, और इसीलिए वहाँ के रूलर को किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक दो दिन के अंदर नाम चेंज करने के पीछे के असली रीज़न को क्लेरिफाई कर दिया जाएगा, और अगर नहीं भी करते हैं तो हम और आप कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। बट मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये जो लाइट की तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलता है ना, इसे पहचानना सीखो, क्योंकि रिसर्च करके सच सामने लाने में टाइम लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज़ थाली में परोस के सच खिलाऊंगा।